नमस्कार। आज का मुख्य विषय हमारी जो कम्युनिटी है ब्राह्मण समाज, ये अपने हक की लड़ाई के लिए सभी दोनों प्रमुख पार्टियों से एक कम से कम पानीपत में एक एक टिकट की डिमांड करता है। और क्योंकि पहले हमारा जो करनाल लोकसभा क्षेत्र था, इसमें ब्राह्मण समाज से प्रतिनिधि होता था और हमारा एमपी बन के जाता था। पिछले दो प्लान से बीजेपी ने हमारा मतलब कैंडिडेट काट के किसी और को दे दिया था। उसके बाद एक प्लान से कांग्रेस ने भी हमारा मतलब कैंडिडेट यहाँ से हटा दिया। हम अब अपने हक की लड़ाई के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र से कम एक टिकट की डिमांड करते हैं। दोनों पार्टियों से कम एक एक टिकट दी जाए। यदि ये पार्टियां हमारी अनदेखी करेंगी तो आज मैंने अपने कुछ पदाधिकारियों की एक शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम चर्चा करेंगे और अगली कार्रवाई के लिए जिस टाइम पे ये टिकट डिक्लेयर हो जाएंगी उसके बाद हम इस पे विचार करेंगे। और हम दोनों पार्टियों से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा हक दिया जाए। यदि वो हमारा हक नहीं देंगे तो हम इसके लिए कठोर कदम उठाने पर भी विचार करेंगे। समाज की सहमति से दोनों जो हमारे जैसे करनाल से पानीपत ग्रामीण से संदीप भारद्वाज हैं, वहाँ से समालका से शशिकांत कौशिक हैं, और भी वैसे तो हमारे कई सारे मतलब साथी प्रयासरत हैं, लेकिन कम से कम एक एक टिकट हमारी बनती है। ये हमारा हक है और हम अपना हक लेके रहेंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम समाज से विचार विमर्श करके दोनों पार्टियों के लिए कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लेंगे। किस तरह का कठोर निर्णय? क्या अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे? हो सकता है हम अपना कैंडिडेट खड़ा करें या समाज से विचार विमर्श करके कोई और नई रणनीति बना के भी मतलब हम कोई ना कोई कार्य करेंगे। कौन से हल्के से आप सीट की डिमांड कर रहे हैं? पानीपत ग्रामीण में ये संदीप भारद्वाज 20,000 से ज़्यादा वोट लेके आज़ाद उम्मीदवार था। ये अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है और लगातार काम कर रहा है, गरीबों के बीच जा रहा है, 36 बिरादरी में जा रहा है, इसका भी हक बनता है। उधर शशिकांत भी बार बार इतने पूरे लगातार इतनी मेहनत कर रहा है। तो दोनों कैंडिडेट हमारे स्ट्रोंग हैं और दोनों के लिए हम दोनों पार्टियों से ये अपेक्षा करते हैं कि शायद वो हमारे कैंडिडेट को टिकट दें। ये तो टिकट तो डिक्लेयर होने पे ही है जी, या तो फिर कब आप कैसे मीटिंग करेंगे? ये आज हमने कुछ ये जो मीटिंग बुलाई है शॉर्ट नोटिस पे, हमने प्लानिंग के लिए ही मीटिंग बुलाई है कि भाई यदि जैसे हम श्योर हैं कि मतलब ये हमारी आवाज़ सुनेंगे, यदि कोई इस तरह की कोई बात नहीं होती है तो उसके लिए हमें आज कुछ एक प्राइमरी क्या नाम है निर्णय कुछ मतलब प्लानिंग करेंगे, उसमें लेके मतलब आगे कार्रवाई पर। इसके लिए पार्टी के कुछ नेताओं से भी बातचीत की गई है या फिर आप? हमने लोकसभा का जिस टाइम पे इलेक्शन था उस टाइम पे यहाँ पे हमारा डेलीगेशन पूर्व प्रधान राम रतन शर्मा के नेतृत्व में दीपक बावरिया से मिला था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आने वाले विधानसभा में कम से कम एक टिकट आपके समाज को दी जाएगी। हम वो अपनी डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो हमारे को आश्वासन दिया गया था वो पूरा किया जाए। ये दावा आप कांग्रेस से ही कर रहे हैं या फिर किसी और पार्टी से? दोनों पार्टियों से, दोनों नेशनल पार्टियां दोनों। बाकी हम तो जैसे दूसरी और जो छोटी मतलब क्षेत्रीय पार्टी हैं उनसे भी सभी से हमारी ये डिमांड है कि हमारे समाज की अपेक्षा ना की जाए, हमारे समाज का जो हक है वो हक दिया जाए हमें।